हेलो गाइस, यू ऑल आर वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर। तो गाइस, आज अपन बात करने जा रहे हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स यानी कि नोबल गैसेस की। गाइस, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्लास 12th बोर्ड्स में यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पक्के होते हैं। अगर आप जेई मेंस और नीट की बात करो या फिर जेई एडवांस की भी बात करो, हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन दिख ही जाता है। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि आप इसको इग्नोर करने का रिस्क नहीं ले सकते, मतलब कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस, मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं 2-3 छोटे छोटे पार्ट्स में आपको पूरा ग्रुप आपको दे दूँ। और यहाँ से अक्सर जो हाइड्रोलिसिस वाले क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर हमेशा कन्फ्यूजन पैदा होती है, तो उस हाइड्रोलिसिस के लिए मैं आपको कुछ शानदार ट्रिक्स प्रोवाइड करूँगा जो आपको काफ़ी पसंद आएगा, जिसको कि अपन अगले लेक्चर में अंदर देखेंगे। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स मूव। ओके, तो जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा है, हम बात कर रहे हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स की। तो जैसा कि आपको पता है कि इनमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं वो फुली फिल्ड होते हैं, मतलब कि दे हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट फुली फिल्ड होता है, जिसके वजह से ये ज़्यादा किसी से रिएक्ट करना पसंद नहीं करते हैं, मतलब कि ये अनरिएक्टिव होते हैं। और अगर रिएक्ट करते भी हैं, रिएक्ट करके भी दे फॉर्म ओनली अ वेरी फ्यू कंपाउंड्स, और इसी के वजह से इनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है या फिर इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, मतलब ये अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब ये अपने आप में ही स्टेबल होते हैं। और क्योंकि इनका वैलेंसी जीरो होता है, इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक, ओके। तो ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज योर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, और एक और अभी नया मतलब मार्केट में आया है, दैट इज ऑगनेशन, ओजी। ठीक, अभी मतलब दिस इज एक्चुअली अंडर स्टडी, मतलब इस पे काम चल रहा है अभी। ठीक, तो बात करते हैं इनके ऑकरेंस की, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं। देखो, एक्चुअली ये जो रेडॉन और ओजी हैं, दीज आर एक्चुअली रेडियो एक्टिव। ठीक, अपन इस पे बात करेंगे थोड़ा सा। तो इन दोनों को अगर छोड़ दो, बाकी जो नोबल गैसेस होते हैं ये एयर में पाए जाते हैं। दे आर एक्चुअली गैसेस एंड दे आर फाउंड इन एयर। हाँ, ये एयर में मिलते तो हैं, लेकिन इनकी जो अबाउंडेंस होती है, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है, इनकी जो अवेलेबिलिटी होती है, दैट इज वेरी वेरी लो। मतलब कि अब कितना लो होता है, अब इन सबको अगर तुम मिला दो, इन सबका कंसंट्रेशन मिला करके अगर तुम ड्राई एयर में बात करो, इन सबका कंसंट्रेशन मिला के 1% से भी कम होता है, less than 1%। और इन सब में भी आर्गन का कंसंट्रेशन जो होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक, आर्गन का कंसंट्रेशन अबाउंडेंस सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक, और इनमें रेडॉन होता है, इसका कंसंट्रेशन सबसे लो होता है। ठीक, अब देखो, इसके अलावा कुछ रेडियो एक्टिव ओर्स होते हैं, इनके नाम को थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे कि आपका पिच ब्लेंड, मोनाजाइट और क्लिवाइट। ये सब के सब क्या होते हैं, दीज आर रेडियो एक्टिव ओर्स। और इन रेडियो एक्टिव ओर्स में हीलियम का कुछ कंसंट्रेशन मिला करता है, ये मतलब ये हीलियम के सोर्स होते हैं। ठीक, और इनके अलावा हीलियम का जो कमर्शियल सोर्स होता है वो होता है तुम्हारा नेचुरल गैस। ठीक, कमर्शियली इसको नेचुरल गैस से डिराइव किया जाता है। ठीक, अब इन दोनों की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, रेडॉन एक्चुअल में क्या होता है, दिस इज रेडियो एक्टिव। तो ये एक्चुअल में बनता कैसे है, देखो, जब तुम रेडियम 86 और 226, इसका तुम अल्फा डीके करवाओगे, मतलब रेडियो एक्टिव डीके करवाओगे, तो यहाँ से क्या होगा, एक अल्फा पार्टिकल, मतलब हीलियम 24 बाहर निकल जाता है अल्फा पार्टिकल, और क्या बनता है, रेडॉन 86 222। ठीक, और ये जो होता है, ये रेडॉन को बनाने का मेथड होता है। और ये जो बेटा ओजी है, इसको भी लैब में ही सिंथेसाइज किया जाता है। अब इसको देखो कैसे बनाया जाता है। देखो,
जब तुम सी एफ कैलिफोर्नियम 94-249 इसको बोम्बार्ड करवाओगे किसके साथ, कैल्शियम 20-48 के साथ। सी दीज आर एक्चुअली कैल्शियम आयन्स। जब इन दोनों के बीच कैलिफोर्नियम और कैल्शियम आयन्स को तुम कोलिजन करवाओगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, ओजी 118, सॉरी दिस इज एक्चुअली 98, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ओजी 118 और 294। ठीक, अब देखो एटॉमिक नंबर अगर तुम मिलाओ ये बैलेंस्ड है, अगर मास नंबर तुम मिलाओ मास नंबर बैलेंस्ड नहीं है, मास नंबर में तीन का डेफिशिएंसी आ रहा है, मतलब यहां से तीन न्यूट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। ठीक, अब ये ओजी का बनाने का मेथड है। ठीक, देखो इस मेथड द्वारा ओजी को सिंथेसाइज तो कर लिया जाता है, क्योंकि गाइज ये रेडियो एक्टिव होता है, ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। अब ये इतना अनस्टेबल होता है कि इसका जो हाफ लाइफ होता है टी हाफ, वो मात्र 0.7 ms मिली सेकेंड का होता है। हाफ लाइफ का मतलब समझ रहे हो, मान लो तुम्हें 1 kg का ओजी लिया, ठीक, वो 0.7 ms के अंदर अंदर वो डिग्रेड होके आधा kg हो जाएगा, फिर 0.7 ms में फिर से डिग्रेड होके 250 ग्राम हो जाएगा, फिर 0.7 ms में 125 ग्राम हो जाएगा। तो मतलब ये काफ़ी तेजी से डिग्रेड करता है, तो इसको आइसोलेट करके स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो आइए बात करते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज, एक एक पॉइंट को वीडियो को रोक रोक के नोट करते जाना। ओके, तो बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आपको बढ़िया से पता है इन सबकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट इज़ योर NS2 और NP6, मतलब कि हाँ एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज़ योर 1s2, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो स्टेबल। ठीक, क्योंकि जो फर्स्ट सेल होता है उसकी कैपेसिटी होती है 2। ठीक, तो आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हो इनका जो आउटर मोस्ट सेल है वो फुली फिल्ड है, मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वजह से ये एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, इसी के वजह से ये ज़्यादा किसी से रिएक्ट करना पसंद नहीं करते। तो गाइज इसीलिए दे आर कॉल्ड एज योर नोबल गैसेस, मतलब कि दे हैव एन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, ओके, तो फिर बात करते हैं इनकी साइज की, एटॉमिक साइज। ठीक, आपको बढ़िया से पता है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो वैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाता है, इसीलिए एटॉमिक साइज जो होती है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक, तो मतलब हीलियम का साइज सबसे छोटा और ओजी का साइज, अगर इन दोनों के भी अब अपन इग्नोर कर दे तो जिनॉन का साइज सबसे लार्ज होता है। ठीक, ओके, तो फिर बात करते हैं इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं, आपको बढ़िया से पता है और मैंने अभी अभी बात करी, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। ठीक, तो मतलब कि ये अपने आप में ही काफ़ी स्टेबल होते हैं। तो आप खुद बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को देना, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको निकालनी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है तो इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है दैट इज़ एक्सट्रीमली हाई। ठीक, क्यों, क्योंकि दे हैव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी, दे आर ऑलरेडी स्टेबल। ठीक, लेकिन गाइज अगर तुम इनमें भी कंपेयर करो, आपको पता होगा शायद ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जैसे आप नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता है, तो मतलब कि न्यूक्लियस से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस होती है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है। मतलब जैसे नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। मतलब हीलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे मैक्सिमम और ज़ीनॉन का सबसे मिनिमम, अगर हम इन दोनों को इग्नोर कर दें तब। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक गाइस, देखो इनमें ना बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसको इसका मैं आपको एक बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं पहले। देखो
ये गाइस होता क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मान लो एक न्यूट्रल एटम है x, जब तुम किसी न्यूट्रल एटम में एक न्यू इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो और ये एक्स माइनस में कन्वर्ट होता है, जब तुम किसी न्यूट्रल एटम में एक नया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, इस प्रोसेस के दौरान जितनी एंथैल्पी चेंज होती है, मतलब जितनी एनर्जी रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब भी हो सकता है, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, अब इसका थोड़ा सा बेसिक्स मैं आपको बता दूं कि वो स्पीसीज, ध्यान से नोट कर लेना, वो स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर वो स्टेबलाइज्ड होता है, वो एनर्जी को रिलीज करता है, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो निगेटिव हुआ करता है। ठीक, एंड वो स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, जिसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर वो डीस्टेबलाइज्ड होता है, अगर वो डीस्टेबलाइज्ड होता है उस कंडीशन में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना निगेटिव होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना उतना ज़्यादा आसान होगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होगी, और जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना पॉजिटिव होता है उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है, मतलब दे हैव अ लेसर टेंडेंसी और नो टेंडेंसी टू गेन आन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो मतलब कि जाहिर सी बात है क्योंकि ये नोबल गैसेस अपने आप में ही खुश हैं, स्टेबल हैं, इनकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मतलब कि दे हैव अ लेसर टेंडेंसी, और आप बोल सकते हो दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन आन इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद नहीं करते। तो गाइज इसीलिए इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो पॉजिटिव हुआ करता है। ठीक, ओके, आई होप आपको क्लैरिटी आया होगा। ठीक, अब इनकी ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखो ये जो नोबल गैसेस हैं सबके सब कैसे हैं, ऑल आर योर गैसेस, एंड सबके सब जो है ये गाइस कलरलेस होते हैं, ये गाइस क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, और इनकी अगर तुम सॉल्युबिलिटी की बात करो ये पानी में हल्का सा सॉल्युबल, मतलब स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं। ठीक, देखो अब गाइस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनकी क्या, हाँ इनकी बॉइलिंग पॉइंट। गाइस देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, जो नोबल गैसेस है, मान लो नियॉन का एग्जाम्पल मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं ये बॉन्डिंग तो करते नहीं किसके साथ, मतलब तो ये एग्जिस्ट कैसे करेंगे, दे एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक गैसेस, जैसे कि अपना ऑक्सीजन है ये O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये तो Ne2 नहीं बनाएगा, मतलब कि दे एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक गैसेस। ठीक गाइस, क्योंकि ये बॉन्डिंग नहीं करते हैं, ये सिंगल एटम्स के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इनका जो सरफेस एरिया होगा वो छोटा होगा। ठीक, अगर सरफेस एरिया छोटा होगा तो एटम्स के बीच में काम करने वाला जो फोर्स होगा, मतलब अगर मैं एक दूसरा नियॉन का एटम ले लूँ, इन दोनों के बीच में जो काम करने वाला फोर्स होगा वो काफ़ी वीक होगा। अब इनके बीच में द ओनली फोर्स एक्टिंग इज योर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, मतलब जिसको अपन लंदन डिस्पर्शन फोर्स बोलते हैं, जो कि काफ़ी वीक होता है। तो क्योंकि इन दोनों एटम्स के बीच किसी भी तरह का पावरफुल इंटरैक्शन काम नहीं कर रहा है, तो इनको मतलब अलग करना, सेपरेट करना आसान होता है, तो इनको लो टेम्परेचर पर ही बॉइल किया जा सकता है, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हद तक लो होता है। ठीक, तो
अगर मैं डेटा का बात करूं, देखो अगर तुम हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट देखो, ये मात्र 4 केल्विन होता है। 4 केल्विन का मतलब समझ पा रहे हो, -269 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप समझ ही सकते हो कितना लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? रीजन ये है क्योंकि ये बॉन्डिंग नहीं करते, तो दे एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक गैसेस, तो मतलब कि इनका सरफेस एरिया कम होता है, तो एटम्स के बीच में काम करने वाला फोर्स वीक होता है, और लंदन डिस्पर्सन फोर्स, इसीलिए इनको तोड़ना आसान होता है, तो मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक, देखो गाइस, एक छोटी सी चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, जो नोबल गैसेस होती है इनका एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है। क्या? समझना मेरी बात को। मान लो मेरे पास किसी भी तरह का मटेरियल है, मान लो रबर ही है, मान लो वी हैव अ रबर, ये प्लास्टिक भी हो सकता है। ठीक, अगर इस मटेरियल के आसपास मैं किसी नोबल गैस को छोड़ दूं, मान लो मैंने हीलियम को छोड़ दिया। ठीक, अब इनका एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी होता है कि ये किसी भी मटेरियल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है काफी आसानी से। दे डिफ्यूज इनटू सम अदर मटेरियल्स वेरी इजीली, वेरी स्मूथली, और जब ये इसके अंदर डिफ्यूज कर जाएगा, डिफ्यूज करके ये कुछ अलग तरह के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं जिनको बोला जाता है क्लैथरेट्स। ठीक, जिनको बोलते हैं क्लैथरेट्स, इनको क्या बोलते हैं गाइस, क्लैथरेट्स, जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी केमिकल रिएक्टिविटी। तो हम बात कर लेते हैं इनके रिएक्टिविटी की। तो गाइस, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि नोबल गैसेस जो होते हैं दे आर वेरी अनरिएक्टिव, मतलब लो रिएक्टिव। तो इनकी जो लो रिएक्टिविटी होती है इसका रीजन क्या होता है? देखो, इनका जो लो रिएक्टिविटी होती है वो तीन मेन रीजन से होता है, दैट इज मेनली ड्यू टू 3 डिफरेंट रीजंस। क्या क्या है वो रीजन? नंबर 1, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बात करेंगे हम सब पे, ड्यू टू देयर हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बात करते हैं सब पे। ओके, तो इस पे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी कहा कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो काफी स्टेबल होता है। अगर आप मतलब उनका ऑक्टेट फुली फिल्ड होता है अगर आप हीलियम को छोड़ दो तो, लेकिन हीलियम का जो डुप्लेट होता है दैट इज ऑल्सो स्टेबल, तो इसीलिए एक किसी से रिएक्ट नहीं करते। ठीक, दूसरी बात, इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी हाई होती है, मैंने अभी अभी आपसे कहा। देखो, अगर इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है। ठीक, तो मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैंने अभी अभी कहा क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक, आप खुद बताओ एक एलिमेंट कब रिएक्ट कर सकता है? देखो, या तो इट कैन रिएक्ट बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन और इट कैन रिएक्ट बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। आपको साफ साफ दिख रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को ना तो लूज करता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव भी नहीं करता। तो मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को ना तो लूज करेगा ना तो गेन करेगा तो आप खुद बताओ कैसे रिएक्ट कर सकता है। ठीक, लेकिन गाइस आपको शायद पता होगा ज़ीनॉन के, जो कि एक नोबल गैस है, उसके बहुत सारे कंपाउंड्स नोन हैं। तो ये थोड़ी सी आश्चर्य होने वाली बात है कि अगर ये अनरिएक्टिव है तो आखिरकार ज़ीनॉन कंपाउंड कैसे बनाता है। ठीक, देखो इसके पीछे गाइज एक कहानी है, इस कहानी को ध्यान से समझ लेना क्योंकि कई बार इसी कहानी में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, समझना। तो गाइज, इस कहानी की शुरुआत होती है मार्च 1962 में एक साइंटिस्ट थे एन बटलेट के नाम से, एन बटलेट।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिनके अंदर इन्होंने सोचा कि चलो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करवाया जाए, मतलब कि ही ट्राइड टू ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन, इन्होंने ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने की सोची। देखो ऑक्सीजन सबको ऑक्सीडाइज करवाता है और इन्होंने ऑक्सीजन को ही ऑक्सीडाइज करने की सोची, मतलब साइंटिस्ट का दिमाग है तो हम क्या ही कर सकते हैं। अब देखो तो इन्होंने सोचा कि ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करवाया जाए और इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, आपको लग रहा होगा कि शायद उन्होंने KMnO4 का यूज किया होगा। ना 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 ना, देखो उस टाइम में KMnO4 नहीं हुआ करता था। अब 1962 में ना एक बिल्कुल दबंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करता था, बिल्कुल पावरफुल लाजवाब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करता था, दैट इज PPF6 प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड। समझ रहे हो, ये गाइस उस टाइम का सबसे दबंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो इन्होंने ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने के लिए इस बंदे का यूज किया। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया और उन्होंने देखा कि एक रेड कलर का कंपाउंड फॉर्म होता हुआ मिला, एक रेड कलर का कंपाउंड जो कुछ इस तरह का था, O2 plus PTF6 minus का फॉर्म होता हुआ दिखा, जो कि एक रेड कलर का कंपाउंड था। तो गाइस इस प्रोसेस में क्या हुआ, थोड़ा सा हम एनालाइज करें। यहां ऑक्सीजन जीरो में था, यहां O2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1, मतलब भाई साहब इन्होंने क्या किया, इन्होंने O2 को जीरो से प्लस वन में भेज दिया। मतलब कहने का मतलब है PTF6 ने O2 को सक्सेसफुली O2 प्लस में ऑक्सीडाइज कर दिया। यस और नो? यस। देखो गाइस थोड़ा सा हम इस पे डीपली बात करते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या। तो बेसिकली अगर तुम देखो O2 को O2 प्लस में ऑक्सीडाइज करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, O2 से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक, ओके। तो गाइस इन्होंने क्या किया, PTF6 ने क्या किया, O2 से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, मतलब इसको आयोनाइज करवा दिया और इसको O2 प्लस में कन्वर्ट करवा दी। ठीक, अब खुद बताओ कि किसी भी स्पीसीज से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाँ उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1 था वो 1175 किलोजूल पर मोल था। कितना था, 1175 किलोजूल पर मोल था। ठीक, तो इसने क्या किया, O2 को आयोनाइज करवा दिया। तो गाइस इनके दिमाग में एक मतलब सवाल आया, इन्होंने गाइस क्या ऑब्जर्व किया, गाइस अपना जो ज़ीनॉन है इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, मतलब कि अगर ज़ीनॉन को तुम Xe+ में कन्वर्ट करना चाहो एक इलेक्ट्रॉन बाय रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी, मतलब ज़ीनॉन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो गाइस इन्होंने देखा कि 1170 किलोजूल पर मोल था, 1170 किलोजूल पर मोल, जो कि समहाउ O2 के आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्लोज था। और गाइस यहां पर इन्होंने एक सवाल उठाया, उन्होंने ये सवाल उठाया, गाइस यहां तक आप समझ रहे हो, कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन को आयोनाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए O2 से जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ रही है, ज़ीनॉन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए समहाउ उसी के क्लोज एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। ठीक, इनको दिमाग में सवाल यह आया कि PTF6, ध्यान से समझना, PTF6 अगर ये O2 से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, क्योंकि ज़ीनॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी O2 के साथ समहाउ क्लोज है, तो हो सकता है कि PTF6 ज़ीनॉन को भी ऑक्सीडाइज कर दे, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे।
और बिलीव मी गाइस, ये बिल्कुल एक इतिहास बदल देने वाला सवाल था। देखो तो फिर इन्होंने क्या किया, एक सिमिलर रिएक्शन, इसी तरह का एक सिमिलर रिएक्शन ही कैरी आउट करवाया बाय टेकिंग ज़िनॉन इंस्टेड ऑफ O2। इन्होंने क्या किया, एक उसी तरह का रिएक्शन कैरी आउट करवाया, मतलब PTF6 को O2 के बदले ज़िनॉन के साथ में मिक्स कर दिया। और गाइस कमाल की बात ये हुई कि यहाँ पर भी एक सिमिलर रेड कलर का कंपाउंड बनता हुआ नजर आया, जो कि इस तरह का था, Xc+PTF6-। गाइस तो इन्होंने सक्सेसफुली ज़िनॉन को रिएक्ट करवा दिया, समझ पा रहे हो? तो मतलब कि दिस वाज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ ज़िनॉन टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक, तो गाइस कई बार पूछ लिया जाता है विच इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ ज़िनॉन, यस दिस इज, यही था वो पहला कंपाउंड जो ज़िनॉन का बनाया गया था। लेकिन गाइस आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, उस टाइम में उनको लगा था कि ये जो रेड कलर का सॉलिड यहाँ पे बना, शायद वो ये था, इसका फॉर्मूला ये था, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ भी एक सिमिलर कंपाउंड बन रहा था। लेकिन गाइस बाद में ये पता चला कि जो रेड कलर का कंपाउंड बना था उस टाइम में, वो उसका एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं था, कुछ और था। वो एक्चुअल फॉर्मूला ये था Xc+PT2F11-। गाइस इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला था वो ये था। लेकिन गाइस ये बोर्ड्स वगैरह में आपको नहीं पूछा जाने वाला है, हाँ ये आपको जेई मेंस और एडवांस में काम आ सकता है। ठीक, ओके तो गाइस इन्होंने ये देखा कि अगर ये इससे रिएक्ट कर सकता है, तो इन्होंने कोशिश करी ज़िनॉन को लेके कुछ अदर कंपाउंड्स को बनाने की। तो गाइस आपको बढ़िया से पता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट चलते गए और ज़िनॉन के कंपाउंड्स बनते गए, और ज़िनॉन के कई सारे कंपाउंड्स हैं, उसको अपन डील करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। और अगर मैं बात करूँ अदर नोबल गैसेस की, क्रिप्टॉन भी एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं KrF2, क्रिप्टन डाइफ्लोराइड। हालांकि हीलियम, नियॉन और आर्गन, इनके एक भी कंपाउंड आज तक आइसोलेट नहीं किए गए हैं। ठीक, तो आई होप ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर में अंदर। टिल देन थैंक यू वेरी मच।